वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 में जितने भी चैप्टर्स टर्म 2 में आ रहे हैं उन सब के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अडॉप्टेशन? अडॉप्टेशन क्या होता है? इट इज एनी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और द बिहेवियर एटीट्यूड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इनेबल्स इट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। अडॉप्टेशन का मतलब होता है जब कोई भी स्पीसीज, मतलब प्रॉपर जहाँ पे वो रह रही हैं उस कंडीशन में वो प्रॉपरली सर्वाइव कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो रिप्रोडक्शन भी करेंगी और सारे फंक्शन जो है उनकी बॉडी के सम फंक्शन परफॉर्म होंगे, उसे कहते हैं अडॉप्टेशन। मीन्स जब उनको प्रॉपर कंडीशन मिलती, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है तो स्पीसीज होती है वो प्रॉपरली सर्वाइव करती हैं। बट जैसे कि अगर स्पीसीज रह रही है वाटर में तो उसको अगर हम लैंड में रखेंगे तो वो लैंड पे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि वो वाटर स्पीसीज हैं, मींस पानी के अंदर सर्वाइव करती, तो वो क्या होगा, इनका अडॉप्टेशन डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अडॉप्टेशन का मतलब होता है जब कोई भी स्पीसीज उसी कंडीशन में, मीन्स कोई भी कंडीशन उन्हें प्रोवाइड कर दी जाए उस कंडीशन में जब वो प्रॉपरली सर्वाइव कर ले और बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करे उसे कहते हैं अडॉप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय एलन्स रूल? एलन्स रूल क्या होता है? मैमल्स लिविंग इन, मैमल्स होते हैं वो कोल्डर क्लाइमेट्स में रहते हैं, उनके पास शॉर्ट ईयर्स प्रेजेंट होता है, उनके कान छोटे छोटे हैं और लिम्स भी क्या होती हैं, हाथ पैर मींस वो भी छोटे छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो हीट को कम लॉस करें, उसे कहते हैं एलन्स रूल। जो कोल्डर क्लाइमेट में, कोल्डर एरिया में स्पीसीज सर्वाइव करती, मैमल सर्वाइव करते हैं, उनके ईयर्स और उनकी लिम्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे इसलिए होते हैं ताकि वो हीट को कम लॉस करें। दिस इज नोन एज एलन्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एनी फोर केमिकल दैट प्लांट प्रोड्यूस फॉर द डिफेंस अगेंस्ट द हर्बीवोर्स। चार ऐसे केमिकल्स के नाम बताने हैं जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं किसके अगेंस्ट, हर्बीवोर्स के अगेंस्ट, बट ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड बाई अ मैन ऑन द कॉमर्शियल स्केल। बट जो है वो मैमल्स के लिए, मीन्स और भी जो मैमल्स होते हैं, स्पीसीज होते हैं, उनके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे निकोटीन ये प्रोड्यूस करते हैं बट ये कॉमर्शियल मतलब यूज किया जाता है और प्लांट प्रोड्यूस करते ताकि उस पर कोई भी हर्बिवोर्स अटैक ना करे। क्या क्या? निकोटीन, ओपियम और क्विनिन, स्ट्राइमिन आर यूज टू अ केमिकल, ये सब प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ताकि उस पर कोई भी हर्बिवोर्स जो है अटैक ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू माइकोराइजा फंक्शन एज बायो फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। किस तरीके से माइकोराइजा जो है एक बायो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करता है, साथ साथ में उसका एग्जाम्पल देते हुए उसको एक्सप्लेन करना है। फंगी कनेक्ट विथ प्लांट रूट आर कॉल्ड माइकोराइजा। जो फंगी होता है वो प्लांट के रूट्स के साथ कनेक्शन होता है उसका, उसे कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा आर फॉर्म्ड बाय मेनी स्पीसीज ऑफ द ग्लोमुलस। माइकोराइजा की स्पीसीज कौन सी है? ग्लोमुलस जीन्स है। दीज फंगल सिम्बायोटिक कलेक्ट द वाटर एंड मिनरल्स सच एज फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। ये जो फंगल एसोसिएशन होता है इसे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है जब दो स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होगी, अगर पहली स्पीसीज नहीं होगी तो दूसरी स्पीसीज नहीं सर्वाइव कर पाएंगी और अगर दूसरी स्पीसीज नहीं होगी तो पहली स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। इस तरीके के कनेक्शन को कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो प्रेजेंट होता है, ये जो फंगल सिम्बायोटिक होते हैं, ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कलेक्ट करता है, जैसे फॉस्फोरस को भी कलेक्ट करता है सॉइल से और उसे पास किस में करता है, प्लांट में करता है, और प्लांट उसके बदले में उसे क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, एसोसिएटेड है, मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम टू गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज का किया जाता है, मीन्स सीवेज को जब वाटर को जो है ट्रीट किया जाता है तो उस समय कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, बस दो गैसेस का नाम बताना। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये दो गैसेस हैं कब प्रोड्यूस होती हैं, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द फुल फॉर्म ऑफ बीटी। बीटी का फुल फॉर्म बताना है। नेम द इंसेक्ट किल बाय इट और बीटी जो है वो कौन से इंसेक्ट को किल करता है, उस इंसेक्ट का नाम बताना है। बीटी का फुल फॉर्म है बैसिलस थ्यूराजेनेसिस। क्या है? बैसिलस थ्यूराजेनेसिस। इट किल अ वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट्स।
किसको किल करता है, इंसेक्ट्स को, मॉथ्स को, बेटल्स को, मॉस्किटो को और एफिड्स को, इन सबको कौन किल करता है, बीटी किल करता है। बीटी का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस थ्यूरा जेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर फूड जूस ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट क्लियर एज कंपेयर टू दोज मेड एट द होम। जो हम घर पे जूस बनाते हैं और जो मार्केट से लेके आते हैं, उन दोनों जूस में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों होता है, मतलब मार्केट का जूस जो होता है वो ज़्यादा क्लैरिफाई क्यों होता है। उसका आंसर है कि बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पेप्टिनेज एंड प्रोटीओसेस। किसका किसका यूज़ किया जाता है, बॉटल के जूस को क्लैरिफाई करने के लिए पेक्टिनेज और प्रोटीओसेस का यूज़ किया जाता है। किसका किसका यूज़ किया जाता है, पेक्टिनेज और प्रोटीओसेस का यूज़ किया जाता है। इसी वजह से जो मार्केट से मीन्स जो बॉटल जूस होता है वो ज़्यादा क्लैरिफाई होता है एज कम्पेयर टू जो जूस हम बनाते हैं अपने घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ एनी टू प्लेसेस वेयर द मिथेनोजेन कैन बी फाउंड। दो ऐसे प्लेस का नाम बताओ जहाँ पे मिथेनोजेन प्रेजेंट होता है। दे आर फाउंड इन फॉलोइंग प्लेसेस, इन एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जब सीवेज को ट्रीट किया जाता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें जो एन एरो जो स्लज डाइजेस्टर होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है मिथेनोजेन। नेक्स्ट है इन रूमेन ऑफ कैटल, रूमेन का मतलब स्टमक, कैटल का स्टमक में प्रेजेंट होता है और एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोड्यूस प्रेजेंट होता है। ये दो जगह पे मिथेनोजेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बायोफर्टिलाइजर्स, बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रिंग अबाउट द सॉइल न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बाय देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो बायोफर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये बायोफर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से सॉइल की इनरिचमेंट को मीन्स सॉइल के न्यूट्रिएंट के कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं और प्लांट को कोई भी नुकसान भी नहीं पहुंचाते, मीन्स प्लांट को डैमेज भी नहीं करते। इसी वजह से बायोफर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब बायोफर्टिलाइजर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के न्यूट्रिएंट की इनरिचमेंट को इंक्रीज कर देते हैं और प्लांट को हम भी नहीं पहुंचाते। हमने इसका क्वेश्चन है हाउ डू कंगारू रैट लिव इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। किस तरीके से कंगारू रैट जो है वाटर की एब्सेंस में अमेरिका के डेजर्ट में सर्वाइव करता है। इसका आंसर है द कंगारू रैट इन द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज कैपेबल टू मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। उसको वाटर किससे मिलता है, उसकी बॉडी में जितने भी फैट प्रेजेंट होते हैं, जो भी फैट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है मीन्स वो ब्रेक डाउन होते हैं। वेयर अ वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट, जो जब ऑक्सीडेशन होता है फैट का कंगारू रैट की बॉडी में तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन का जब फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वो क्या रिलीज करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं। इट ऑल्सो कैन कंसनट्रेट इट यूरिन टू अ मिनिमल वॉल्यूम। अब जब यूरिन सिक्रीशन होता है, वाटर तो वैसे भी वाटर की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होती नहीं उनकी बॉडी में, तो उनका यूरिन क्या होता है वो मोर कंसनट्रेटेड होता है। कंगारू रैट को वाटर कहाँ से मिलता है, कंगारू रैट को वाटर मिलता है जब उनकी बॉडी के अंदर जो फैट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है। जब फैट के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जिससे वो जो है बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन भी सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर कैलोट्रोपिस प्लांट नॉट वॉश्ड बाई अ हर्बीवोर्स। क्यों कोई भी हर्बीवोर्स जो है वो कैलोट्रोपिस के प्लांट पे फीड नहीं करते, क्यों उनको अटैक नहीं करते, क्यों उनको ईट करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए नहीं उसके ऊपर फीड करते क्योंकि कैलोट्रोपिस जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये अल्फा ग्लाइकोसाइडेस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, अल्फा ग्लाइकोसाइडेस प्रोड्यूस करता। अगर कोई भी हर्बीवोर्स कैलोट्रोपिस के ऊपर फीड करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, तब क्या होगा, वो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो डैमेज हो जाएगा, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो जाएगा और उनकी बॉडी में प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगी। इसी वजह से कभी भी कोई भी हर्बीवोर्स जो हैं वो कैलोट्रोपिस प्लांट में फीड नहीं करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के नाम बताने। बायोडायवर्सिटी के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहला है जेनेटिक, दूसरा होता है स्पीसीज, तीसरा इकोलॉजिकल। ये तीन कैसे होते हैं? बायोडायवर्सिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? इट इज द स्टोरेज ऑफ मटेरियल एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर आइदर बाय द साइमल्टेनियस डिहाइड्रेशन एट द लो टेम्परेचर। इसमें क्या किया जाता है? इसमें मटेरियल को लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है। क्या किया जाता है? स्टोरेज की जाती है मटेरियल की एट द अल्ट्रा लो टेम्परेचर, जैसे कि स्पर्म का स्टोरेज हो गया, ओवम का स्टोरेज हो गया, इन सबको क्या किया जाता है? स्टोर करके रखा जाता है, उसके बाद फर्दर आगे जाके यूज किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन। किसने रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था और साथ साथ में वो थ्योरी क्या थी उसे एक्सप्लेन करना है। पॉल एंड्रिस ने दिया था। किसने दिया था? पॉल एंड्रिस ने जो है रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। इन्होंने इससे क्या बताया था? इन्होंने जो है एक एरोप्लेन का, मतलब एयरप्लेन का एग्जाम्पल देके समझाया था। इन्होंने कहा कि सपोज करते हैं कि हम एयरप्लेन को इकोसिस्टम ले लेते हैं। क्या करते हैं? एयरप्लेन को इकोसिस्टम मान लेते हैं। उसके बाद ऑल पार्ट आर ज्वाइन टूगेदर ज्वाइनिंग थ्रू थाउजेंड ऑफ द रिबिट। मीन्स जो है एयरप्लेन जो होता है उसके जो रिबिट होते हैं, उसके टुकड़े होते हैं, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ पार्ट से वो मिल मिलकर छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ था। तो जो रिबिट था उसको स्पीसीज मान लिया था और एयरप्लेन को इकोसिस्टम। मींस इस इकोसिस्टम में बहुत सारी छोटी छोटी स्पीसीज सरवाइव करती, जिस तरीके से एयरप्लेन में रिबिट प्रेजेंट होता है, मींस छोटे छोटे पार्ट से वो एक पूरा एयरप्लेन बना हुआ होता है। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट टू पॉपिंग अ रिबिट एंड द टेक आउट द होम। मींस उन्होंने कहा कि जो भी पैसेंजर उस एयरप्लेन पे सरवाइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, अगर वो उस एयरप्लेन का एक एक पार्ट अपने घर लेके चले जाएंगे तो वो पूरा एयरप्लेन क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। मीन्स उसका एक भी पार्ट नहीं बचेगा। उस तरीके से एक एक स्पीसीज जो ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से स्पीसीज डैमेज होती जा रही, एक समय ऐसा आएगा कि इस इकोसिस्टम पे एक भी स्पीसीज नहीं बचेंगी। तो रिबिट प्रॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था? पॉल एंड्रिस ने दिया था। इन्होंने इस हाइपोथेसिस से यही एक्सप्लेन किया था कि इकोसिस्टम, जिस तरीके से हमारा इकोसिस्टम समय समय पर डैमेज होते जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि एक भी स्पीसीज इस इकोसिस्टम पे नहीं बचेंगी। और किसका एग्जांपल लेके समझाया था? एयरप्लेन का एग्जांपल लेके समझाया था। एयरप्लेन को उन्होंने स्पीसीज मान लिया था और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते उसको उन्होंने जो क्या ये एयरप्लेन को इकोसिस्टम दिया, उसके जो छोटे छोटे रिबिट पार्ट होते उसको स्पीसीज मान लिया था। अगर एक एक पैसेंजर एक एक पार्ट मीन्स एक एक रिबिट को अपने घर लेके जाएंगे तो पूरा एयरप्लेन क्या होगा? डैमेज होएगा। इस तरीके से इकोसिस्टम में अगर एक एक स्पीसीज डैमेज होती जा रही ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि इस इकोसिस्टम पे एक भी स्पीसीज नहीं बचेंगी, कॉजिंग अ स्पीसीज टू बिकम अ एक्सटेंट, और सारी स्पीसीज क्या होंगी? ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिटेल द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसमें क्या बताना है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बताना है कि क्या होता है और किसने दिया था डिटेल में। अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्टबोर्ट ने जो है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि स्पीसीज रीजन टू अ स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीज विद इंक्रीज टू एक्सपोजर एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। इन्होंने ये बताया था कि अगर स्पीसीज की एरिया को इंक्रीज करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्पीसीज के नंबर्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे बट एक लिमिटेड टाइम तक। जैसे स्पीसीज सर्वाइव कर रही हैं, अगर हम इनकी एरिया को बढ़ाएंगे तो स्पीसीज में क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। कोई जैसे एरिया दे दिया, पर्टिकुलर एरिया, इतना एरिया दे दिया, बोल दिया इसी में स्पीसीज को सर्वाइव करना है, तो ज़्यादातर थोड़ी स्पीसीज सर्वाइव कर पाएंगी। बट अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो स्पीसीज के नंबर्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। बट स्पीसीज के नंबर्स तो इंक्रीज होंगे बट एक लिमिटेड टाइम तक ही स्पीसीज के नंबर्स इंक्रीज होंगे। इन्होंने एक ग्राफ भी दिया था, जैसे इसमें स्पीसीज के नंबर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे एरिया भी इंक्रीज की जा रही। तो जब एरिया बढ़ेगी स्पीसीज के नंबर्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे बट एक लिमिटेड टाइम तक ही स्पीसीज के नंबर्स इंक्रीज होंगे। इन्होंने एक इक्वेशन दी थी लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। एस क्या है? स्पीसीज रिचनेस को बताता है
और जेड क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन की स्लोप को बताता है, और ए क्या बताता है, ए जो है एरिया के बारे में बताया था, बताता है। ये ग्राफ जो था ये किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्डोर ने दिया था। इन्होंने यही बताया था कि अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो स्पीसीज के नंबर्स भी क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे जाने के इसके 100% चांसेस भी हैं। आंसर क्या है इसका, इट इज अ फिनोमिना इन विच एन स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज एक्सपैंड इट डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज व्हेन द कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। मीन्स इसमें यही बताया गया, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स स्पीसीज को मना कर दिया जाता, इंटर नहीं करने दिया जाता है टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज। मीन्स जहाँ पे सुपीरियर स्पीसीज है वहाँ पे इंफीरियर स्पीसीज को ऐसे समझते, या ऐसे हम समझते कि जहाँ पे लार्ज स्पीसीज प्रेजेंट है वहाँ पे स्मॉल स्पीसीज को इंटर नहीं करने दिया जाता है। अगर वहाँ पे स्मॉल स्पीसीज इंटर करेंगी तो जो लार्ज स्पीसीज है वो उनके ऊपर क्या करेंगी, फीड करेंगी, उनको खा लेंगी। इससे क्या होगा, स्मॉल स्पीसीज तो उनसे अटैक तो कर नहीं पाएंगे, लड़ तो पाएंगे नहीं, तो स्पीसीज के नंबर्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो जो लार्ज स्पीसीज है, मीन जो सुपीरियर स्पीसीज है, जब उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है तब जो है वहाँ पे स्मॉल स्पीसीज को इंटर करने दिया जाता है। बट जब तक वहाँ पे लार्ज स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे स्मॉल स्पीसीज को इंटर नहीं करने दिया जाता है। इसी पूरे फिनोमिना को कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। यहाँ पे भी वही चीज़ दिखा गया, एक ऐसा फिनोमिना होता है विच एन स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, मतलब वहाँ पे इंटर नहीं करने दिया जाता है स्पीसीज को। क्यों नहीं इंटर करने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज, वहाँ पे सुपीरियर स्पीसीज प्रेजेंट है। अगर वहाँ पे इंफीरियर स्पीसीज आई तो सुपीरियर स्पीसीज उस इंफीरियर स्पीसीज पे अटैक करेंगी और उनको खाने की, मीन्स उनको किल करने की पूरी तरीके से कोशिश भी करेंगी। डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज अदर देन कॉम्पिटिटिव स्पीसीज, जब वहाँ से स्पीसीज को रिमूव कर दिया जाए तब वहाँ पे अगर स्पीसीज को हम लाएंगे तब ना तो कोई कंपटीशन होगा, कुछ भी नहीं होगा, और स्पीसीज वहाँ पे प्रॉपरली सर्वाइव कर सकती हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्या है, व्हाट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट टूगेदर एज अ कम्पिटिटिवली इंफीरियर वन वाइल वी आर इलिमिनेटेड, बट दिस इज ट्रू ओनली वेन द रिसोर्स आर लिमिटिंग एंड नॉट अदरवाइज। इनका ये कहना था, जैसे बोला जाता है कि कॉम्पिटिशन होगा, कॉम्पिटिशन हमेशा नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिशन हमेशा हो, दो स्पीसीज हमेशा रिसोर्स के लिए कम्पिटीट करें। कंपटीशन तभी पॉसिबल है जब रिसोर्स या तो होंगे नहीं या तो बहुत कम होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, और दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हैं उनको जब वही सेम रिसोर्स चाहिए तभी कंपटीशन होगा, नहीं तो हमेशा पॉसिबल ही नहीं है, कंपटीशन होने के चांसेस ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। तो इस गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यही कहना था कि कंपटीशन तभी होगा दो स्पीसीज के बीच में जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, मींस कम होंगे, या रिसोर्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तभी दो स्पीसीज एक दूसरे से कंपटीट करेंगी उस रिसोर्स के लिए। बट अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है, मींस रिसोर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तब कभी भी दो स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन नहीं होगा। सपोज इस एग्जाम्पल में अगर जो है जू प्लैंकटन है, उसको खाने वाले जू प्लैंकटन्स के नंबर बहुत कम है, उसको खाने वाले फ्लेमिंगो भी है और फिशेस भी हैं, तब क्या होगा, उस जू प्लैंकटन के नंबर क्या है, लिमिटेड है, खाने वाली दो स्पीसीज हैं, तब कंपटीशन होगा। बट अगर उस रिवर के अंदर जू प्लैंकटन नंबर्स ऑफ जू प्लैंकटन प्रेजेंट है तब कभी भी फ्लेमिंगो और फिशेस के बीच में कंपटीशन नहीं होगा उस जू प्लैंकटन के लिए। तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यही कहना था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है रिसोर्स के लिए तभी कंपटीट करेंगी जब रिसोर्स के नंबर्स कम होंगे या रिसोर्स प्रेजेंट ही नहीं होगा।
जरूरी नहीं है कि ऑलवेज मीन्स ऑलवेज पॉसिबल ही नहीं है कि हमेशा कंपटीशन हो। कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज में होता है, या तो रिसोर्स ना प्रेजेंट हो या रिसोर्स लिमिटेड होंगे तभी कंपटीशन होगा, नहीं तो कंपटीशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइग्रेशन, व्हाई डू एनिमल्स सो माइग्रेशन, क्यों एनिमल्स जो है माइग्रेशन क्या होता है और एनिमल्स जो है इस फिनोमिना को क्यों शो करते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करना, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे जाना जब हमें प्रॉपर सुटेबल कंडीशन नहीं मिलती है, प्रॉपर सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तब स्पीसीज क्या होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेशन। अब स्पीसीज या एनिमल्स इस फिनोमिना को क्यों शो करते हैं, जब उनको जहाँ पे वो सर्वाइव कर रहे हैं उनको वहाँ पे प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती है, मींस प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलती सर्वाइव करने के लिए, तब स्पीसीज क्या होती हैं माइग्रेट करके कहीं और रहने चली जाती हैं। जैसे समर की कंडीशन में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं समर सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाती, तब वो क्या होंगी ऐसी जगह पर चली जाएंगी जहाँ पर कोल्डर क्लाइमेट होगा, मीन्स वहाँ इन्वायरमेंट जो होगा बहुत अच्छा होगा जहाँ पे वो प्रॉपरली सर्वाइव कर सकती हैं और अपनी बॉडी के सारे फिनोमिना को शो कर सकती है। इसी वजह से स्पीसीज माइग्रेट करती है। माइग्रेट क्यों करती हैं, क्यों, क्योंकि उनको वहाँ पे प्रॉपर कंडीशन प्रॉपर सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता जिसके वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती, तो वो माइग्रेट करके कहीं और चली जाती, उसे कहते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट थ्री डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसेरियस सेल, के बीच में तीन डिफरेंस लिखना है। नॉर्मल सेल दे डिवाइड इन द कंट्रोल मैनर, जो नॉर्मल सेल होता है वो अपने कंट्रोल मैनर पे मीन्स जब जब उसको डिवाइड करना होता तभी वो डिवीजन शो करता है, एक्स्ट्रा पैटर्न में कोई भी डिवीजन शो नहीं करता। बट कैंसेरियस सेल जो होता है ये अनकंट्रोल डिवाइड करता है, मीन्स इसके कंट्रोल के डिवीजन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये अनकंट्रोल डिवीजन शो करता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज सेल इनहैबिट इनहैबिशन, और इसका जो सेल होता है एग्जिबिट इनहिबिशन शो करता है, बट सेल डू नॉट डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और कैंसेरियस सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, बट नॉर्मल सेल जो होती है इस प्रॉपर्टी को शो करती है। नेक्स्ट इज नॉर्मल सेल डिफरेंट लाइफ स्पैन, इसका एक प्रॉपर लाइफ स्पैन होता है बट कैंसेरियस सेल का कोई भी लाइफ स्पैन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जिसका यूज किया जाता है कैंसेरियस सेल के ट्रीटमेंट में, किसका यूज किया था अल्फा इंटरफेरॉन का, किसका यूज किया था अल्फा इंटरफेरॉन का, क्या करने के लिए ट्यूमर की सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के नाम लिख दें, एक क्या हो गया थाइमस और दूसरा हो गया बोन मैरो, ये दोनों कैसे होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। हमने इस पूरे लेक्चर में क्लास 12th के जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सबके चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।